अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको HP लेज़र जेट 2014 इसके मतलब बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर नया आने वाला वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, ये HP का मॉडल है 2014। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये मैंने इसकी पैकिंग वगैरह उतारी है। दोस्तों, ये इसकी फर्स्ट ट्रे है। तो ये इसकी ट्रे 2, इसमें ज़्यादा पेपर आके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका टूनर किस तरह निकालना है। ये इसके ऊपर एक छोटा बटन लगा है, पुश बटन, इसको हम प्रेस करेंगे और इसको आसानी से बाहर खींच लेंगे। तो ये इसका टूनर है, ये कार्टेज है इसकी। ये एक दफ़ा फिल होकर तकरीबन 2500 से 3000 तक कापी निकाल सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसकी ये बैटरी है, ये वाला। इसमें दोस्तों दो ऑप्शन है कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए, ये एक पैरेलल पोर्ट और एक USB पोर्ट। इनकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसका टेस्ट पिन निकाल सकते हैं। दोस्तों, टेस्ट पिन के लिए हम सबसे पहले इसको पावर केबल लगाएंगे तो ये प्रिंटर हमारा ऑन हो गया। अब हम इसकी ट्रे को ओपन करेंगे। ये हमने ट्रे ओपन की और ये दूसरा बटन है, ये ब्लू बटन, इसको हम प्रेस करेंगे एक दफ़ा और छोड़ देंगे तो ये अपना टेस्ट पेन निकाल देगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका टेस्ट पेज है। ये एक मिनट में तकरीबन 23 से 24 कापी A4 साइज की निकाल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसमें पेज फट जाता है तो हम उसको किस तरह निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेपर इसमें फंस गया तो सबसे पहले हम इसकी कार्टेज निकालेंगे। काटे निकालेंगे, हमें यहाँ पेपर नज़र आ रहा होगा तो हम उसको आसानी से खींच लेंगे। अगर ट्रे से नीचे से पेपर ऊपर आ रहा है तो हम आधा पेपर नीचे और आधा हमें यहाँ नज़र आए तो हम इसको आसानी से ये पीछे किया और यहाँ से पेपर हमें नज़र आ रहा होगा, हम इसे आस्ता आस्ता खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पेपर हमारा यहाँ से आधा आगे आ गया और हमारा पेपर ये हीटर यूनिट है इसमें फंस गया तो हम इसको नीचे करेंगे और ये दोनों लॉक इसके नीचे करेंगे और यहाँ हमें जो पेपर नज़र आए इसे हम आसानी से बाहर खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पेपर निकालने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।